चांद और मंगल को लेकर पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियों में रेस चल रही है। अमेरिका, रूस, भारत, चीन, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान के साथ ही अब यूएई भी इस दौड़ में शामिल हो गया है। अरब मुस्लिम देशों की दुनिया में संयुक्त अरब अमीरात पहला देश होगा जो मंगल ग्रह के लिए मिशन लॉन्च करेगा। यूएई अगले 40 दिनों में अपना मंगल मिशन लॉन्च कर देगा। ये मिशन अगले साल फरवरी तक मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंच जाएगा। यूएई इस मिशन के जरिए बताना चाहता है कि वो भी अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। संयुक्त अरब अमीरात 15 जुलाई को अपना होप मार्स मिशन लॉन्च करेगा। इसकी तैयारी 2014 से चल रही थी। कितना खास है होप मार्स मिशन? यूएई के मार्स मिशन के प्रोजेक्ट मैनेजर उमरान शराफ ने कहा कि हम चाहते हैं कि यूएई दुनिया के उन देशों में गिना जाए जो मंगल तक पहुंच चुके हैं। उमरान ने बताया कि हम मंगल ग्रह पर सैटेलाइट, रोवर और रोबोट उतारने वाले नहीं हैं, बल्कि मंगल ग्रह के चारों तरफ उसकी कक्षा में चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट लॉन्च करेंगे जो हमें पूरे मार्शियन एयर और वहां के क्लाइमेट की जानकारी देगा। इस मिशन की डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर सारा अल अमीरी ने बताया कि यूएई का मंगल मिशन बताएगा कि मंगल ग्रह के वातावरण में लगातार हो रहे बदलावों की वजह क्या है, मंगल ग्रह की सतह पर कितनी ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन। सारा ने बताया कि मंगल ग्रह से मिलने वाले डेटा को हम दुनिया भर के 200 से ज्यादा संस्थानों को स्टडी करने के लिए देंगे। इसमें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी शामिल है। इसके अलावा हमारे देश में भी मंगल ग्रह से मिलने वाले आंकड़ों की जांच होगी और स्टडी की जाएगी। उमरान शराफ कहते हैं कि 50 साल पहले देश बने संयुक्त अरब अमीरात के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन अब इंजीनियरिंग टैलेंट और साइंटिफिक बेस भी है। 50% मंगल मिशन फेल हो जाते हैं, इसलिए मैं सफलता की गारंटी नहीं लेता, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे। मंगल ग्रह तक पहुंचने को बेताब है चाइना। जुलाई में ही चाइना और अमेरिका भी अपने मंगल मिशन लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन चाइना और अमेरिका के मिशन का संयुक्त अरब अमीरात के मिशन से कोई लेना देना नहीं होगा। तीनों देशों का लॉन्च विंडो एक है, लेकिन लॉन्चिंग अलग अलग होगी। चाइना ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवेन 1 रखा है। तियानवेन का मतलब होता है स्वर्गीय प्रश्न या स्वर्ग से प्रश्न। चाइना ने 2011 में रूसी अंतरिक्षयान से मंगल पर इंगुओ 1 भेजने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हो गया था। प्रक्षेपण के कुछ समय बाद ही यान रास्ता भटक गया था। अब इसके 9 साल बाद फिर से एक बार कोशिश करने को तैयार है। CNSA की माने तो अब चाइना के सभी मंगल मिशन को तियानवेन श्रृंखला के नाम से जाना जाएगा, जो सच का पता लगाने, विज्ञान संबंधी खोज करने और प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़ी खोज करेंगे। इस मिशन को लाल ग्रह पर भेजकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन को स्पेस सुपर पावर बनाने के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। बेहद खास है अमेरिकी मार्स मिशन। इसी साल नासा के वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर अपना रोवर भेजेंगे जो कि लाल ग्रह पर प्राचीन जीवन के सबूत तलाशेगा। यही नहीं, नासा का ये महत्वाकांक्षी अभियान भावी मानव मिशनों का भी मार्ग प्रशस्त करेगा। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA के साथ मिलकर नासा ने मंगल से मिट्टी के नमूने लाने की भी योजना बना ली है और इसी के साथ वो मंगल पर आदमी भेजने की तैयारी कर रहा है। नासा इसी साल जुलाई में अपना एक रोवर मंगल के लिए प्रक्षेपित करेगा। परसिवियरेंस नाम का यह रोवर अगले साल 18 फरवरी को मंगल पर उतरेगा और वहां कई वैज्ञानिक प्रयोग करेगा, जिसमें से कुछ इंसान के वहां पहुंचने की भूमिका भी तैयार करेंगे। नासा की योजना अपना ही एक ऑक्सीजनरेटर बनाने की है जो मंगल ग्रह पर ही सोने के बक्से का उपयोग कर वहीं ऑक्सीजन बनाने में सक्षम। इस बॉक्स को मोगजी नाम दिया गया है। मोगजी यानी कि मार्स ऑक्सीजन इसरो एक्सपेरिमेंट। मोगजी नासा का मार्स 2020 मिशन का ही एक हिस्सा है। इसी मिशन के तहत मंगल के J0 कार्टर पर परसिवियरेंस रोवर उतरेगा। ये रोवर नासा की जेट प्रोपल्शन लैब में प्रक्षेपण के लिए तैयार हो रहा है। परसिवियरेंस रोवर का प्रमुख काम मंगल से मिट्टी और पत्थरों के नमूने इकट्ठा करना होगा, जिसे पृथ्वी पर लाने की योजना भी बन चुकी है। इसी से इंसान को भी वापस धरती पर ला पाने की क्षमता की भी जांच की जाएगी। जब परसिवियरेंस नमूने जमा कर लेगा तब 2026 तक दो अंतरिक्षयान एक साथ मंगल भेजे जाएंगे। इनमें से एक मंगल पर दूसरे यान के साथ एक मिनी रोवर को पहुंचाएगा जो परसिवियरेंस से नमूने लेगा। ये रोवर दूसरे यान में चला जाएगा जो मंगल से ही उसी की कक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा। इसके बाद उन नमूने को उस अंतरिक्षयान से वापस लाने के काम यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA का एक दूसरा यान करेगा। भारत बना चुका है रिकॉर्ड। अब तक अमेरिका, रशिया, यूरोपीय संघ और भारत मंगल पर यान भेजने में सफल रहे हैं।
साल 2014 में भारत मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बना था। साथ ही अपने पहले प्रयास में ऐसा करने वाला देश भारत ही था। 450 करोड़ की लागत से मंगल मिशन शुरू करने वाला भारत दुनिया का अकेला देश है जो सबसे कम खर्च में इस मिशन पर है। भारत अब मंगलयान 2 की तैयारी कर रहा है जो 2022 से 23 के बीच लॉन्च किया जाएगा। ये एक रोवर मिशन होगा। ताबड़तोड़ लॉन्च होंगे रोबोटिक मिशन। अमेरिका, यूरोप, रशिया और यूनाइटेड अरब अमीरात की स्पेस एजेंसियां रिकॉर्ड संख्या में रोबोटिक मिशन लॉन्च करने वाली हैं। जब दोनों ग्रह सबसे नजदीक होंगे, वहीं प्राइवेट सेक्टर में एलन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स और रिचर्ड ब्रांसन का वर्जिन ऑर्बिटर LLC भी मार्स पर जाने की तैयारी में है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन पड़तालों से वैज्ञानिकों को ये पता चल सकेगा कि मानव ब्रह्मांड में कहीं और रह सकते हैं या नहीं। मंगल को काफी हद तक पृथ्वी के जैसा समझा जाता है और इन मिशनों से और परतें खुल जाएंगी।